हेलो दिक्कत सबसे लोग, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो पर। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं इंटरनेट गेमिंग कैफे सिमुलेटर। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो। भाई पिछली वीडियो में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो हमने बिल्ड करे थे हमारे गेमिंग सेटअप। तो भाई चलो आज भाई इस पूरे गेम को भर कर देखते हैं कि हम इसमें पूरे गेम में पूरा गेमिंग सेटअप भर सकते हैं या नहीं। तो भाई लोग हमारे पास है 341 रुपीस। और भाई ये ऐड आ गया, एक सेकंड ये बंद करने कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब भाई हमारा जो एक और सेटअप है उसमें हमको गेम डालने हैं। सबसे पहले हम ये गेम डाल लेते हैं ताकि हमारे कस्टमर आए तो हम दोनों में सेटअप कर सके, उनको इधर से उधर बिठा सकते हैं। और भाई अगर इस गेम की बात करें ना भाई, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट गेम हो ही नहीं सकता। 40-50 एमबी के अंदर भाई इससे बेस्ट आपको गेम ही नहीं मिल सकते। जो कि आपको भाई स्ट्रगल के बारे में बताएं, अपने पास पहले एक भी पीसी नहीं था, एक भी गेमिंग सेटअप कुछ भी नहीं था। और धीरे 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 करके आज देखो अपन ने दो कर दी। और इस वीडियो में भी अपन कोशिश करेंगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गेमिंग सेटअप को बिल्ड कर पाएँ। हाँ तो भाई इस गेम में ना कुछ गेम और भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उनको भी दोनों पीसी में इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि भाई कस्टमर आए तो उनको वेट ना करना पड़े। मतलब ये मेरा मोटिव है कि भाई कस्टमर को खड़े नहीं रखना चाहिए कभी भी। कोई अगर अदर रीज़न हो तो वो अलग बात है। तो भाई हमारा पहला कस्टमर आ गया है और ये खेलेंगे रेड डूड। तो भाई जाइए आप, और अपने पास 171 रुपीस है। अब ये रेड डूड खेल रहा है मेरा भाई। और एक कस्टमर और आ गया तो अपने भाई बढ़िया भाई द बिटमैन पावर। तो मेरे को देखना है कि ये है अपने पास। हाँ ये गेम है अपने पास, इसीलिए डायरेक्ट चला गया वो, वरना अपने को ऐड के द्वारा वो गेम डाउनलोड करना पड़ता। हाँ तो अपने भाई दो पीसी अपने भर चुके हैं कस्टमर से। चलो अब भाई तीसरा पीसी और बनाते हैं, मतलब तीसरा गेमिंग सेटअप और बनाते हैं। सबसे पहले अपन फर्नीचर ले लेते हैं इसका, टेबल वगैरह। तो भाई अपनी टेबल भी अपन ने ले ली है और ये कुछ इस जगह पर लगी हुई है, बढ़िया है भाई। तो अब हमारे पास 61 रुपीज़ बचे हैं और इसमें भाई अपन कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं ले सकते, जैसे कि ये चेयर भी नहीं ले सकते। तो अपन ऐसा करते हैं कीबोर्ड ले लेते हैं और माउस ले लेते हैं, ये दोनों को मंगवा लेते हैं अपन। तो इसके बाद में जो पैसे आएंगे अपन उससे और बाकी की चीज़ें भी मंगवा लेंगे। और ये लो भाई अपनी डिलीवरी भी हो चुकी है। तो चलो फिर अब इन दोनों को इनकी जगहों पर अपन रख कर आते हैं। कीबोर्ड को अपने डेस्क के ऊपर रख देते हैं और भाई उस माउस को भी अपन रखेंगे। इसमें एक बार में एक ही चीज़ जाती है। और अपना एक और कस्टमर आ गया यार, अपन को देखना पड़ेगा कि इनका टाइम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले अपन ये सब चीज़ें सेटअप कर देते हैं। तो वैसे दोनों का टाइम होने वाला है तो ये अच्छी बात है अपने लिए। और इनमें से एक का टाइम हो गया भाई, वो पैसे भी दे गया। और ये खेलेंगे फर्स्ट बुलेट। तो जाओ भाई आप भी खेलो आराम से भाई, इंजॉय करो अपने गेम सेटअप पे। और भाई लोग 65 रुपीज़ और अपने पास ऐड हो चुके हैं, तो टोटल मिला के अपने पास 94 हो गए। और भाई इसमें अपन मॉनिटर तो ले नहीं सकते और साउंड कार्ड अभी लेके कोई मतलब नहीं जब तक CPU नहीं बनेगा। और देखते देखते हमारा एक और कस्टमर आ जाता है और जो पहले खेल रहा था उनका टाइम भी हो जाता है। तो ये कुछ हमें कितने रुपये दे गए, 70 रुपीज़ दे के चले गए हैं। तो देखते हैं भाई ये कौन सा गेम खेलने वाली है दीदी। काउंटर स्ट्राइक जैसा लग रहा है गेम तो, खैर ठीक है जो भी है। तो चलो भाई 164 रुपीस हो गए, आप कुछ खरीदी कर लेते हैं अपन। एक सेकंड ये ऐड आ गया ये। अब कंप्यूटर पार्ट्स में जाके हम सबसे पहले LCD ले लेते हैं उसके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और भाई इधर शॉपिंग करी, इधर हमारा माल डिलीवर भी हो गया है। तो चलो भाई इस LCD को इसकी जगह पर हम लगा कर आ जाते हैं। और भाई लोग इनका टाइम भी अभी काफ़ी बच रहा है, ये तो अभी बैठी हैं तो इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तो लग ही जाएगा। और इन भाई का भी टाइम होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो चलो भाई सबसे पहले अपन बाहर की तरफ देखकर आते हैं कि यार कुछ कस्टमर अपने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका टाइम होने वाला है, फिर एक जगह खाली रहेगी ना इस वजह से। तो भाई ये रहा अपना गेम की दुकान का नाम, सॉरी। और भाई कस्टमर तो मुझे नहीं दिख रहा है। और इन भाई साहब का टाइम भी लगभग ख़त्म हो गया। हाँ भाई हो गया, इनका टाइम भी हो गया। तो अब देखते हैं भाई ये कितने रुपये अपने को देंगे। तो भाई इन्होंने हमें पैसे दिए हैं कुछ 62 रुपीज़। और हमारा नया कस्टमर भी आ गया जो घोस्ट वार खेलेंगे, तो अपन इनको बिठा देते हैं। और भाई टोटल अपने पास 116 रुपये हो चुके हैं। और इन दीदी का भी टाइम बिल्कुल बचा ही, मतलब बचा ही कि अभी तो आधा भी नहीं हुआ यार। अब इनको ये गेम पता नहीं क्या है, ये बहुत स्लो चलता है ये वाला। तो मैं सोच रहा हूँ तीसरे वाले में ना अच्छा CPU लगाऊंगा, अच्छा तेज़ वाला, जिससे बंदों का टाइम भी जल्दी होगा अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। तो भाई अपने लिए तो फ़ायदा है ये सब चीज़ें, अपने लिए फ़ायदे में। और अपना एक और कस्टमर आ गया है और टाइम अपने पास कोई भी, मतलब कोई फ्री नहीं है, तो मेरे हिसाब से रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। एक सेकंड मैं बाहर देख लेता हूँ, पहले और कस्टमर तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा भाई, दुकान का नाम ख़राब नहीं हो रिफ्यूज़ करने से बस। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भाई इन दीदी का टाइम होने तक इन भाई साहब को, मतलब इनको खड़ा करें, मतलब क्या भाई तुम खड़े रहो, इनका टाइम हो जाएगा तो आप बैठ जाना। और क्या वाईफाई भी लगवा दिया, और ये ऑन ऑफ होता है क्या?
नहीं भाई कुछ नहीं होता इनका, ये बटन वर्थलेस है भाई। और इन दीदी का भी टाइम लगभग लगभग होने ही वाला है, अपन एक बार देखते हैं कितनी क्या लाइन भरा गई है वो। भाई थोड़ी सी बच रही है तो भाई इन भाई साहब को हमें थोड़ा सा मतलब वेट करना चाहिए इनको। और इनका भी अभी 15% टाइम कम हो चुका है, और अभी हमारे साइड से कोई कोई भी किधर भी तरीके से हमारे कस्टमर भी नहीं आ रहे, तो ये भी अच्छी बात है, कस्टमर खड़े नहीं रहना चाहिए बस। और इनका भी टाइम लगभग लगभग ख़त्म होने ही वाला है, बिल्कुल ज़रा सी बच रही है, 30 सेकेंड या 20-30 सेकेंड में इनका हो जाएगा। और भाई हमारा एक और कस्टमर आ चुका है, तो भाई अब दो बंदे खड़े हो रहे हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो भाई जल्दी जल्दी अपना काम बड़ा हो और अपन जल्दी से कोई तीसरा सेटअप भी कर ले ताकि बंदे खड़े ना हो। तो भाई मैंने थोड़ी सी वीडियो को कट कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और हमारी वीडियो की लेंथ भी थोड़ी छोटी रहे ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा। और भाई दीदी का टाइम भी हो चुका है, अब हम इन भैया को बिठा देते हैं उन दीदी की जगह पे। और भाई हमारे एड आ गए भाई, इससे परेशान है यार। कोई बात नहीं भाई, जब तक एड नहीं आएंगे तो सामने वाले जो बंदा है डेवलपर उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। और हमें कितने रुपये दिए, 165 रुपये दिए भाई इन दीदी ने भाई, बहुत बढ़िया भाई। और भाई हमारे एक और कस्टमर आके खड़े हो चुके हैं और भाई इनका भी टाइम होने वाला है और उन भाई साहब को खेलना है द बिट मैन पावर। तो मेरे हिसाब से रिफ्यूज़ का ऑप्शन मुझे कर देना चाहिए, वैसे उनका टाइम भी हो गया तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, शायद वो एक्सेप्ट वाला मेरे को बटन आ जाए। भाई अभी तक तो नहीं आ रहा और उनका टाइम तो होने वाला था मुझे ऐसा लग रहा है। या भाई कैंसिल नहीं कर सकते क्या, रिफ्यूज़ करना पड़ा और भाई इसका टाइम अभी भी नहीं हुआ था यार, मेरा एक कस्टमर चला गया इसकी वजह से। खैर ये हो गया भाई, इसका टाइम भी हो गया और एक कस्टमर और आ गया। ये गोस्ट वार खेलेंगे, छोटा सा गेम, फर्स्ट वाला गेम है ये अपना। और इन्होंने भाई टोटल 409 रुपये अपने पास टोटल हो चुके हैं। तो भाई अपन अब एक CPU ले लेते हैं 375 वाला, अच्छा वाला जो फास्ट हो थोड़ा सा। और भाई इसमें मेरे को सिर्फ 3 रुपये कम पड़ रहे हैं तो मैं और वेट करूँगा, बाकी मैं कोई और चीज़ें ले सकता हूँ क्या मेरे को ये देखना पड़ेगा। वैसे हमारे बजट का यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ सामान नहीं है, हम LCD भी इतनी महंगी नहीं ले सकते, कीबोर्ड भी महंगी नहीं ले सकते। तो चलो भाई लोग इनमें से टाइम किसका होने वाला है, सेकेंड नंबर के जो PC है उसका टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। तो चलो थोड़ा सा हम वीडियो को कट कर देते हैं, हमारी लेंथ और छोटी होगी वीडियो की। तो इन भाई साहब का टाइम भी हो जाता है और अब देखते हैं भाई अपने को ये कितने रुपए देते हैं। कुछ अपने को दिए हैं इन्होंने, एक सेकेंड, 65 रुपीज़ दिए। और हमारा एक कस्टमर और आ गया, ये भी ऐसे ही गोस्ट वार खेलेंगे। तो भाई अपने पास 174 हो चुके हैं और अपन अब CPU ले लेते हैं, अच्छा वाला, ये रोवर मैक्स वाला ले लेते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है महंगा है, तो भाई सीधी सी बात है भाई कुछ ज़्यादा अच्छा काम भी करता होगा इसलिए तो महंगा है ये। तो चलो भाई लोग इसको सेट करके आते हैं इसकी जगह पे। और अपने पास अब सिर्फ 62 रुपीज़ बचे हैं और फर्स्ट कंप्यूटर का जो PC है ना, उन भैया का टाइम भी होने वाला है। तो इनका टाइम भी हो गया और ये इन्होंने हमें कुछ पेमेंट दिया है, 70 रुपये इन्होंने दिए हैं। तो भाई हो गए हमारे पास 132 रुपये टोटल हमारे पास इतने हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अब मेरे को साउंड कार्ड ले लेना चाहिए और साउंड कार्ड को फिट कर देना चाहिए उसमें। तो भाई लोग अपना साउंड कार्ड भी ये लो भाई, आ भी गया और अपने कस्टमर भी आ चुके हैं, तो इनको भी अपन बिठा देते हैं और हमारे साउंड कार्ड को CPU के अंदर सेट कर देते हैं। तो चलो भाई ओपनिंग कर लेते हैं और साउंड कार्ड को उसके अंदर लगा कर आते हैं। अब भाई हमारे पास सिर्फ एक हेडसेट ही बच रहा है जो हमें चाहिए। तो चलो भाई लोग उसके लिए भी अपन पैसे पहले करते हैं, एक कस्टमर अगर हो गया ना तो अपना काम हो जाएगा। तो चलो भाई लोग थोड़ी सी वीडियो को मैं कट कर देता हूँ। तो कट करने के बाद इन सेकेंड नंबर वाले PC पे जो लड़की बैठी है, इनका भी टाइम लगभग हो ही गया है और भाई हमारे दो कस्टमर आ चुके हैं अभी। तो उनमें से एक तो यहाँ पर बैठ जाएगा और एक को वेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भाई इनके पैसे से हम वो जो हेडसेट है वो भी ले लेंगे। तो ये हमारे पास गेम नहीं है तो भाई इसको ऐड देख के हम गेम को बाय कर लेते हैं। तो मैं कट कर देता हूँ। ऐड देखकर हमने इस गेम को इंस्टॉल कर लिया है जो कि मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि वो गेम काफ़ी महंगा था और भाई 30 सेकंड के ऐड ने मेरे पैसे बचा दिए। तो भाई ये लो भाई पहला पेमेंट भी आ गया, मतलब उस जो पहले जो भैया बैठे थे उनका कुछ 173 अपने पास हो चुके हैं, 173 रुपीज़। तो चलो भाई लोग अब अपन ले लेते हैं हेडसेट। मैं सोच रहा हूँ अच्छा वाला लूँ, क्लासिक प्रो वाला ले लेता हूँ अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए। और ये लो भाई देखते देखते अपना ये सामान भी आ गया है। तो चलो भाई लोग अब इसको सेट कर लेते हैं। और भाई पहले नंबर का जो PC है उनका टाइम, जो PC पे जो भैया बैठे हैं उनका टाइम भी लगभग होने वाला है। तो ये भी अच्छी बात है, अपना एक कस्टमर खड़ा है वो भी बैठ जाएगा उसकी जगह पे और ये खेलेंगे कौन सा रेड डूड। तो चलो भाई लोग कुछ देख लेते हैं गेम्स वगैरह में। तो अपने पास बहुत सारे गेम हैं, वैसे सब इतने महंगे महंगे गेम है ना कि इनको क्या डाउनलोड करो। भाई एक और कस्टमर आ चुका है और फर्स्ट नंबर के जो PC है वो अपना, उनका टाइम होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक, ये वाला मैंने सब सामान लगा दिए इसमें थर्ड नंबर के PC में और ये अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा।
सारे कंपोनेंट मैंने लगा दिए उसमें, पीसी लगा दिया, सीपीयू लगा दिया, ए टू जेड चीज़ें लगा दी भाई, साउंड कार्ड जो कुछ भी होता है ना सारी चीज़ें लगा दी, पर वो चालू नहीं हो रहा है। मेरे को ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, मेरे कस्टमर खड़े हैं यार। तो भाई ऐसा करता हूँ, मेरे जो काउंटर पे जो मेरा खुद का पर्सनल पीसी है जिससे मैं इसमें गेम डालता हूँ, मैं उसमें चेक करता हूँ कि यार उससे कुछ हो सकता है क्या, वो देखता हूँ मैं। और भाई इनका टाइम भी लगभग हो गया है, तो मैं पहले इनको बिठा देता हूँ इनकी जगह पर। तो भाई आप जाओ, आप आपकी जगह पर बैठो। भाई ऐड आ गया है, तो भाई इस ऐड का तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते भाई। अगर ऐड आना भी अच्छी बात है, डेवलपर के लिए अच्छी बात है। और कुछ कितने रुपए, 170 रुपीज़ इन्होंने दिए हैं, तो टोटल अपने पास 212 रुपये हो चुके हैं। और अभी भी हमारा थर्ड पीसी चालू नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि भाई मेरे को मेरा जो काउंटर वाला जो पीसी है उससे मुझे इसमें कुछ उंगली करना चाहिए। और भाई सेकंड नंबर के पीसी का भी टाइम होने ही वाला है उन भैया दीदी का जो भी है वो, और भाई लोगों का टाइम भी हो चुका है। तो भाई सबसे पहले मैं इन भाई साहब को बिठा देता हूँ उनकी जगह पर, और कुछ 10 सम्स नाम का गेम खेलेंगे जो मेरे पास है नहीं, तो मैं इनको रिफ्यूज़ कर देता हूँ। वो काफ़ी महंगा गेम था इस वजह से। चलो भाई हम आ रहे हैं, हम फोर्थ वाले सेटअप के लिए कुछ चेयर वगैरह खरीद लेते हैं। तो भाई मैंने चेयर भी ले ली थी और डेस्क भी ले ली, लेकिन इसमें भाई चेयर नहीं आई है, तो भाई मेरा ये लॉस हो गया भाई, सीधी सी बात। ये गेम का थोड़ा बग है, आप कभी भी एक साथ दो चीज़ें मत लेना, चेयर और क्या बोलते हैं अपना ये डेस्क के साथ में, इन दोनों को अलग अलग लेना आप। तो भाई चलो कुछ गेम इंस्टॉल कर लेते हैं तीनों पीसी में। अच्छा मतलब मैंने उसमें गेम नहीं डाले ना, इस वजह से मेरा थर्ड पीसी नहीं चल रहा। सबसे पहले मैं वो काम कर लेता हूँ, सारे के सारे गेम इंस्टॉल कर लेता हूँ उसमें भी, PC 1, 2, 3 तीनों में कर लेता हूँ। और भाई एक मेन बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो को लाइक नहीं करा ना भाई, तो प्लीज़ कर दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत देर देर में मैं ये वॉइस ओवर दे पाता हूँ, इतना अब अपने को प्रैक्टिस भी नहीं है और अपन इतना परफेक्ट भी नहीं है कि अपन अच्छे तरीके से सब कुछ दे सकें। तो प्लीज़ भाई लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो, आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे कंटेंट देंगे आपको। भाई ये ऐड आ गया, तो मैं थोड़ा कट कर देता हूँ वीडियो को। तो भाई लोग ऐड भी कट कर दिया, भाई गेम को भी इंस्टॉल कर दिया है मदर केयर नाम का। तो भाई वो हमारे थर्ड वाले पीसी जो जो बंद था हमारा, जो हम सोच रहे थे बंद था, वो चालू है और उस पर जाकर ये बैठ चुके हैं। और वो बंद इसलिए था क्योंकि हमने उसमें गेम इंस्टॉल ही नहीं करे थे भाई। तो इन भाई साहब को थर्ड वाले पीसी पे बिठा के मैं अब सोच रहा हूँ कि जो जितने भी गेम मेरे PC 1 और PC 2 पे है ना, वो सारे गेम मैं इस पे भी कॉपी कर दूँ, ताकि अगर मेरे पास ज़्यादा भीड़ हो तो वो तीनों मतलब PC पे सब लोग खेल सकें। तो चलो भाई लोग धीरे धीरे करके अपन ये सारे के सारे PC अदर जो PC के जो गेम हैं वो अपने थर्ड वाले PC में भी डाल लेते हैं। तो मैंने दो गेम कर लिए, ये थर्ड वाला गेम है और ये फोर्थ वाला गेम भी लगभग लगभग मेरा हो चुका है, फोर्स बुलेट नाम का। और ये कुछ कॉल ऑफ क्या कौन सा गेम था, कॉल ऑफ मोबाइल, अपना कॉल ऑफ ड्यूटी मान सकते हो आप इसको। और मदर ऑफ केयर का भी जो गेम है भाई, मैं तीनों चारों सेटअपों में कर देता हूँ दोनों तीनों में। तो और क्या कर सकते हैं अपने, 7 रुपये अपन कुछ ख़रीद भी नहीं सकते इस गेम में अभी फ़िलहाल। और हमारे एक और कस्टमर आ चुके हैं और इनमें से किसी का भी टाइम अभी होने नहीं वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन भाई साहब को मैं रिफ्यूज़ कर दूँ, और मैं यहाँ पे चेयर भी नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे अभी। और दोस्तों आप ये कमरा देखो भाई, इस पूरे कमरे में मैं गेमिंग सेटअप कर दूंगा पूरा, और तभी मैं ये गेम छोड़ूंगा जब तक मेरा ये काम पूरा नहीं होगा। मतलब इसके एपिसोड आगे भी आते जाएंगे, अभी अपन इस वीडियो में जितने अपन से हो सकते हैं उतने तो अपन करेंगे, और आगे भी अपन पूरा का पूरा कमरा भर देंगे पूरे गेमिंग सेटअप से। और भाई इन तीनों का भी काफ़ी टाइम बच रहा है, तो मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और मेरी वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाए। तो भाई हमने वीडियो को स्किप कर दिया है, और देखते देखते हमारे पास दो बंदे आ चुके हैं, तो इनमें से मैं किसी एक को बिठा देता हूँ। और भाई हमारे बीच में ये ऐड आ चुका है, तो इस ऐड को भी मैं स्किप कर देता हूँ। और भाई हमें कितने रुपए देगा हमें ये देखना है, 124 रुपये देके गए हैं, और अभी हमारे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से एक, दोनों में से एक का टाइम होने वाला है, सेकेंड नंबर का जो PC है उनका टाइम होने वाला है, तो उसकी जगह पर हम किसी और को बिठा देंगे। तो चलो भाई लोग इनका टाइम भी अपन देख लेते हैं, और ये इनका टाइम भी हो गया, और यहाँ पर इन भाई सब को अपन इनकी जगह पर बिठा देते हैं। और इनके बाद में एक और लगातार एक और कस्टमर आ गया, और भाई इन्होंने हमें 153 रुपये दिए भाई, तो अपन इससे कुछ खरीद सकते हैं अपने फोर्थ वाले PC के लिए। और भाई हमारे PC नंबर 1 वाले जो भैया हैं उनका टाइम भी होने वाला है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको इस पर बिठा दूँगा, और कस्टमर अपना वेटिंग कर रहे हैं। और भाई अपन ऐसा करते हैं, अपने लैपटॉप में जाके कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, अपने पास 284 रुपये है। तो भाई खोल लेते हैं इसको, कंप्यूटर पार्ट्स में जाते हैं, और भाई क्या ले सकते हैं अपन, LCD तो अपने को हो जाएगी, LCD ले लेते हैं, कीबोर्ड ले लेते हैं और माउस ले लेते हैं, तीनों चीज़ों को अपन ले लेते हैं। भाई इनको एक एक करके सेटअप कर देते हैं अब तक, और इनका टाइम भी हो जाएगा, फिर इसके बाद में अपन इनको बिठा देंगे। तो भाई चलो LCD को सेट करके आते हैं हर बार की तरह, जैसे हम सब
पहले करते वैसी सेट होगी। तो भाई एलसीडी को सेट कर दिया है और अब बारी है अपने कीबोर्ड की। तो भाई कीबोर्ड को भी मैं उसकी जगह पर रख के आता हूँ और भाई कीबोर्ड को भी उसकी जगह पर सेट कर दिया है। और एक नंबर वाले जो भैया हैं उनका टाइम भी लगभग हो ही गया, जैसे मैं माउस सेट करूँगा तब तक उनका टाइम भी हो जाएगा। तो भाई चलो भाई माउस को भी सेट कर देते हैं। और भाई ये भैया का टाइम हुआ, अबे हुआ, अबे एक सेकंड, ये दो टेबल क्यों दिख रही है मेरे को। खैर छोड़ो, अब हम भाई फोर्थ वाले सेटअप के लिए एक चेयर ले लेते हैं। तो भाई ये लो भाई अपनी चेयर भी आ गई, पिछली बार अपना नुकसान हो गया था 82 रुपीज़ का क्योंकि वो आई नहीं थी। और भाई नंबर वन का भी लगभग टाइम हो गया, हाँ भाई हो गया। तो भाई अबे सामने से हटना भैया, हाँ तो भाई इनको बिठा देते हैं। और 220 रुपये दे के गया भाई, तब भारी गेम खेल के गया वो। और तो इनको भी बिठा दिया है और नंबर सेकंड वाले का भी टाइम हो गया। फोर्थ बुलेट के लिए इनको भी बिठा देते हैं। भाई ये कितने रुपए देके गए हैं, 83 रुपीज़ ये देके गए हैं। तो भाई अपने को अब जो सामान चाहिए ना, क्या क्या चाहिए, तो अपन वो सब चीज़ें अपन ऑर्डर कर लेते हैं अपने पीसी में। तो भाई शॉप पर आकर मैं कंप्यूटर पार्ट्स में जाऊँगा और भाई सबसे पहले सीपीयू लूँगा यार, सीपीयू सबसे मेन है। तो भाई सीपीयू ले लिया है और साउंड कार्ड भी एक साथ दोनों चीज़ें ले लेता हूँ। 389 का हो रहा तो भाई हम इसको कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ और सिर्फ सीपीयू हम ले लेते हैं। तो भाई सीपीयू अपना डिलीवर हो चुका है, भाई चलो सीपीयू को उसकी जगह पर सेट करके आते हैं। तब तक इन तीनों में से किसी का टाइम भी हो जाएगा तो अपन किसी और को बिठा भी देंगे। तो सबसे पहले भाई मतलब थर्ड नंबर वाला जो पीसी है उनका टाइम होगा और हमें सिर्फ अब साउंड कार्ड की ज़रूरत है और हेडसेट की ज़रूरत है। तो भाई इन तीनों का इंतजार करते हैं, इनका टाइम कब तक होगा और हमें कब तक पेमेंट देंगे। तो भाई मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो भाई स्किप करने के बाद एक नंबर वाले जो भैया बैठे थे, जो दीदी हैं शायद ये, तो इनसे हम पेमेंट ले लेते हैं और इनको इनकी जगह पर बिठा देते हैं। तो हमें 170 रुपये के समथिंग हमारे पास हो चुके हैं और भाई हमें अब साउंड कार्ड चाहिए। तो भाई हम साउंड कार्ड को खरीद लेते हैं और भाई ये दोनों क्या आ सकते हैं कि हाँ भाई दोनों जाएंगे। तो हमने हेडसेट भी खरीद लिया और भाई अब हमारा फोर्थ सेटअप भी चालू हो चुका है। तो एक सेकेंड में इन दोनों को सेट कर देता हूँ और ये जो नए भाई भैया जो आए हैं ना उनको फोर्थ वाले सेटअप पर बिठा दूंगा मैं। तो भाई हेडसेट तो मैंने जमा दिया, अब बात है भाई इस मेन साउंड कार्ड की। तो भाई साउंड कार्ड को अगर अपन लगा देंगे तो अपना भाई फोर्थ वाला जो सेटअप है वो भी अपना भाई टर्न हो जाएगा। ये देखो अब वेल डन आ चुका है। अब भाई उसमें अपने को गेम डालना है अपने पीसी से। तो चलो भाई गेम भी अपन हैंड टू हैंड डाल देते हैं और भाई सारे गेम डाल देते हैं, मतलब मेरे हिसाब से मैं सारे डाल देता हूँ। भाई इन भाई सबको जो खेलना है वो फिर अपने को ऑर्डर दे देंगे और अपन इनको उनकी जगह पर बिठा देंगे। चलो भाई लोग धीरे 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 करके मैंने तीन तो गेम डाल दिए, फोर्थ वाला ये रहा। तो भाई फोर्थ वाला गेम भी डाल जाता है और भाई ये वाला गेम भी मैंने डाल दिया है, कॉल ऑफ मोबाइल वाला सस्ता कॉल ऑफ ड्यूटी। और ये मदर केयर भी मैं डाल देता हूँ उसी में ताकि कोई कस्टमर आए तो वो खड़ा ना रहे इस गेम के लिए। भाई बैंक रॉबरी भी मैंने डाल दिया है। तो भाई चलो इन भाई साहब से ऑर्डर ले लेते हैं और भाई दो कस्टमर अपने पास हो चुके हैं। भाई कोई नया गेम का बोल रहे हैं, सिटी ऑफ हॉर्स, तो भाई मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसको काट देता हूँ। और ये क्या है, द सम्स, भाई दोनों न्यू गेम आए थे तो भाई मैं कट नहीं कर सकता इसलिए भाई ऐड आ गया। और तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर देता हूँ। तो भाई स्किप कर दिया है और ये द सम्स नाम का जो गेम है हमारे सारे जो पीसी है उन पे भी हम इंस्टॉल कर पाएंगे। अब एक सेकंड ऐड को मैं स्किप कर देता हूँ फिर इसको इंस्टॉल कर दूँगा। तो स्किप कर दिया है और भाई इनको भैया को भी बोल दिया, भाई अब इस पीसी पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये वाला गेम मिल जाएगा। तो भाई हमारा एक दो तीन तीनों सेटअप पे बंदे बैठ चुके हैं, फोर्थ वाले सेटअप पे अभी कोई भी नहीं बैठा है। तो चलो भाई लोग एक और कस्टमर का इंतजार करते हैं। तो ये लो भाई हमारे एक और कस्टमर आ चुके हैं। तो भाई इनको उस वाले फोर्थ वाले सेटअप पे हम इनको बिठा देते हैं। तो भाई 205 रुपये हमारे पास अब बचे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कुछ फर्नीचर खरीद लूँ, लेकिन 100 रुपये वाला लूँ, 150 वाला लूँ या 300 वाला, तो भाई इतना बजट अपने पास फ़िलहाल नहीं है। तो भाई जो गेम अपन ने अभी डाउनलोड करा था वो मैंने तीनों में इंस्टॉल नहीं करा था, चारों में। तो भाई सबसे पहले अपन ये कर देते ताकि अपना कोई भी कस्टमर इंतज़ार ना करे, मतलब वो एक अलग बात है कि भाई अगर सारे के सारे जो चेयर है वो अगर फुल रहेगी तो जाहिर सी बात उनको इंतजार करना पड़ेगा, बाकी इस तरीके से इंतज़ार ना करें तो ये बढ़िया भाई। और अपन अब सीधा पबजी को इंस्टॉल करेंगे, मेरे हिसाब से अगर मेरे पास पेमेंट आएगा तो मैं सीधा पबजी को इंस्टॉल करूँगा। तो भाई हमारा एक और कस्टमर आ चुका है तो उनको उनकी जगह पर बिठा देते हैं और हमें कुछ 114 रुपये की पेमेंट भी मिल चुकी है तो ये अच्छी बात है। तो भाई अपने पास 319 रुपये हो चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि फिफ्थ वाला जो हम सेटअप बनाएंगे उसके लिए हम चेयर वगैरह खरीद लें। तो भाई चेयर खरीद लिया है और अब क्या खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं कोई स्टैंडर्ड चेयर भी ले लेता हूँ। सॉरी, वो पहले अपन ने डेस्क लिया था, मेरे से गलती हो गई। तो भाई चेयर और डेस्क अपन ने खरीद लिया है, अब बच रहा है अपने पास 127 रुपीज़। तो भाई इसमें अपन LCD भी खरीद लेते हैं एक साथ, अब बाद में अपन जो चीज़ें बच रही है वो बाद में लेंगे। अभी अपने पास थोड़ा सा अपना बजट डाउन हो चुका है, सिर्फ 17 रुपये अपने पास अब बचे हैं।
तो भाई LCD को उसकी जगह पर मैं लगा देता हूँ। और भाई सेकंड नंबर वाला जो अपना PC था उनका टाइम हो चुका है, अब इनका देखते हैं इन्होंने कितना पेमेंट दिया है। और भाई इन्होंने हमें एक सेकंड को बिठा देते हैं पहले रेड डूट के लिए, तो ये भी गए। और भाई अपने पास दो पेमेंट आई है 256 रुपये की, क्योंकि एक भैया और अपने पास हट चुके थे, मतलब उनका टाइम हो गया था। तो भाई अब मेरे को क्या लेना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ CPU ले लूँ, लेकिन इतना पैसा नहीं है, तो भाई कीबोर्ड और माउस ले लेते हैं। तो कीबोर्ड और माउस अपने दोनों डिलीवर अपने पास हो जाते हैं, तो भाई इन दोनों को भी इनकी जगह पर अपन रख कर आ जाते हैं या फिर सेट करके आ जाते हैं, जो भी अपन अपनी भाषा में बोलें। तो भाई कीबोर्ड को उसकी जगह पे सेट कर दिया है, अब भाई बच रहा है माउस। भाई ये भी एक और आ चुके हैं और इनको भी अपन बिठा देते हैं। बैंक रॉबरी ये गेम खेलना चाहते हैं, अपने पास जगह खाली थी तो। और भाई चलो भैया माउस को भी उसकी जगह पर अपन सेट करके आ जाते हैं। इसके बाद में अपने पास CPU बचेगा और एक साउंड कार्ड, ये दो चीज़ें अपने पास लेने के लिए बचेंगी। तो चलो भाई लोग इनमें से इनका कुछ लोगों का टाइम भी होने वाला है। अब भाई CPU के लिए अपन देखते हैं कि अपन ले सकते हैं या नहीं। और भाई ऐड आ गया यार, तो कपन भाई इधर जाते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में देखते हैं कुछ सस्ता सा सामान हो। तो साउंड कार्ड ले लेते हैं और हेडसेट, दोनों चीज़ें ले लेते हैं। और ये भाई डिलीवर भी हो चुकी है, भाई इन दोनों को भी अपन सेट करके आते हैं। और इनमें से किसी का भी टाइम अभी नहीं हुआ है तीनों चारों में से, तो इन भाई साहब को भी अपने को खड़ा ही रखना पड़ेगा अभी। जब तक मैं सोच रहा हूँ कि इन, अच्छा एक सेकेंड, ये नंबर वन वाले का टाइम होने वाला है और नंबर थ्री वाले का टाइम होने वाला है, तो इन दोनों के लिए मैं वेट कर लेता हूँ और इन भाई साहब को बिठा के उन दोनों चीज़ों को मैं सेट कर दूँगा। लेकिन भाई लोग अपने पास CPU तो है नहीं जो अपन साउंड कार्ड लगाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को ऐसे ही रहने देता हूँ और इन भाई साहब को सबसे पहले बिठा देता हूँ। और पेमेंट देखता हूँ कितने रुपये दिए इन्होंने, 125 रुपये दिए हैं। और भाई 300 के समथिंग का अपना CPU आता है भाई, अभी भी अपने पास पैसे नहीं हुए हैं, तो थर्ड नंबर वाले का भाई इंतजार करते हैं, अगर वो कुछ पैसे दे देगा तो अपन CPU तो खरीद लेंगे उससे। तो भाई देखते हैं भाई, टाइम लेते हैं। और अपना एक कस्टमर और आ गया, ये बढ़िया है भाई, उनको टाइम होगा, इनको बिठा देंगे अपन। और ये क्या है, हेडसेट को मैं उसकी जगह पे जमा के आता हूँ। बाकी साउंड कार्ड तो अभी लग ही नहीं पाएगा क्योंकि अपने पास CPU नहीं है। तो ठीक है भाई लोग, अपन देखते हैं अभी होता है कि नहीं। बाय CPU, हाँ वही वाला ऑप्शन आया। और ये भाई साहब का टाइम हुआ कि नहीं हुआ भाई अभी तक? हो गया भाई, तो अपन इन दीदी को उनकी जगह पर बिठा देते हैं, फोर्स बुलेट खेलेंगी है। तो इन्होंने कितना पेमेंट दिया अपने को, 149 रुपये, यानी वही 150 रुपये के समथिंग दिए। तो भाई अपन CPU खरीद लेते हैं सबसे पहले, CPU खरीद लिया और भाई अपना लगभग काम अपना हो चुका है। तो भाई CPU को अपन सेट कर देते हैं, उसके ऊपर जो अपन ने साउंड कार्ड खरीदा था वो भी अपन साउंड कार्ड को सेट कर देंगे, तो भाई अपना ये वाला सेटअप भी चालू हो जाएगा। तो भाई CPU को मैंने सेट कर दिया है, अब भाई साउंड कार्ड उसमें मेरे को लगाना है। तो भाई ये लो भाई, और मेरे हिसाब से वेल डन का ऑप्शन आ गया भाई, आ गया। तो ये वाला भी हो गया। अब भाई सबसे पहले अपन फिफ्थ वाला जो अपना सेटअप है नया वाला, उसमें जो अपने पास जो गेम है वो सारे के सारे गेम को इंस्टॉल कर देते जल्दी जल्दी से। तो भाई वीडियो को मैंने 2x पे कर दिया था कि आप लोगों का टाइम भी बचे और मेरी वीडियो की लेंथ भी शॉर्ट हो जाए। तो लगभग मैंने सारे गेम इंस्टॉल कर दिए हैं और ये आखिरी बचा था, ये भी हो चुका है। भाई इनको इनकी जगह पे बिठा देते हैं। अब देखते हैं भाई अपने को इनके जो अभी जो पहले उठ के गए इन्होंने कितने रुपये दिए, भाई 88 रुपये दिए भाई। खैर ठीक है, जो भी है, हमारा एक और सेटअप भी हो चुका है भाई, हमारे 1, 2, 3, 4 और एक कस्टमर आ गया, तो इसको भी अपन लगे हाथ बिठा ही देते हैं भाई। बैंक रॉबरी खेलेगा ये, पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा उसमें बैंक रॉबरी है भी कि नहीं, वरना वो पॉकेट में भाई अपने को टाइम का वो ऐड आने लग जाएगा। तो गेम में जाते हैं और बैंक रॉबरी इंस्टॉल करना है, अभी उसमें वो ऐड नहीं है, तो भाई मेरे को उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक सेकंड, मेरे को पेमेंट मिला है, एक मिनट। तो इनको उस वाले लैपटॉप पे बिठा देता हूँ, उसको मैं बाद में इंस्टॉल करूँगा। तो ये लो भाई, अपना सारा का सारा काम हो चुका है। और बस आज की वीडियो में भाई सब यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और भाई एक सुंदर सा कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।